नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नगीना मस्जिद मैदान में जश्न पंजतन पाक की महफिले जुमेरात बाद नमाज ईशा रात 9:30 बजे सजाई गई, जिसमें मकामी शौरा ए किराम व नात हजरात ने अपने कलाम पेश किए। इसके बाद वारिस से सिलसिलाए बकाई नायाब सज्जदा नशीन खान का है हजरत अल्लामा मौलाना सैयद हरसान मियां साहब किबला खिताब फरमाया। इस दौरान सफीपुर शरीफ से तशरीफ लाए सैयद हसन बकाई नायाब ने कहा कि हमारे सूफिया ने जो अमन शांति का पैगाम दिया था, आलिया का जो पैगाम था वह लोगों के दरमियान बताया। उन्होंने कहा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि कांटे बिछाने वालों की राहों में अगर हम भी कांटे बिछाने लगे तो दुनिया कांटों से भर जाएगी, इसलिए मोहम्मद का पैगाम दिया। बता दें कि आज हजरत दाता तेजी अली साहब के दरबार में फातिहा खुवानी की जाएगी। इसके बाद 25 तारीख दिन जुम्मा को नगीना मस्जिद मैदान में लंगर शरीफ का भी अहतमाम किया गया और पूरे देश के लिए मनो शांति की दुआएं मांगी गई। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी हमारे गुलाम हसन अंसारी साहब तिज्जी अली साहब ने आज मुझे मदु किया था प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर जश्न पंजतन पाक व औलिया अल्लाह एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है जिसमें मुझे मदु किया था। मैं उसमें खसूसी मेहमान बनकर आया हूँ और जो हमारे सूफिया का पैगाम था, औलिया का पैगाम था, वो लोगों के दरमियान बताने के लिए जो हमारे असलाफ का तरीका रहा है शुरू से कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कांटे बिछाने वालों की राहों में अगर हम कांटे बिछाने लगे तो ये दुनिया कांटों से भर जाएगी, तो जो सूफिया का मोहब्बत का पैगाम था उसी को आम करने के लिए आज मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। हजरत आप कहाँ से आए हैं आपका? मैं सफ़ीपुर शरीफ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद मखदूम मिल्लत शेखुल हिंद अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद वलीउल्लाह बकाई साहब सफ़ीपुर शरीफ खानकाह आलिया बकाइया के सज्जादा नशीन हैं और मैं उनका बेटा हूँ और नायब वली अहद हूँ सफ़ीपुर शरीफ की खानकाह का, खानकाह आलिया बकाइया का। मेरा नाम सैयद हसन बकाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल और करम से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से, उनकी अता से जो हमको अल्लाह तबारक ताला ने तौफीक दी, हम लोगों ने जो जश्न पंजतन पाक और वल्ला औलिया का अहतमाम किया और हमारे अहतमाम करने की वजह से सिर्फ इसकी वजह एक ये है कि हम ये चाहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात जो है हमारी आने वाली जनरेशन उसको अच्छे से पहचाने जाने, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को करेंगे तो वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक पैगाम है और हमारे उनका हमारी तरफ से उनके लिए एक बेहतर तबर्रुक है और हम चाहते हैं कि इस तरीके से हमारे मुल्क को भी ये पता चले, क्योंकि हमारे बुजुर्गान दीन ने जिस तरीके से हिंदुस्तान में भाईचारा और मोहब्बत की जो हवा और जो तूफ़ान चलाया वो अपने आप में कमाल है और हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से खानकाहों से भाईचारा, मोहब्बत, अमन और बरकत का जो तरीका है वो नज़ूल जो है वो और जिस तरीके की जो चला आया सिलसिला वो कायम और दायम रहे। कहाँ कहाँ से इसमें तशरीफ लाए हैं लोग? माशाल्लाह, अभी आपने जिनसे जिनका तारुफ हुआ, हज़रत हसन मियाँ साहब बकाई रहमतुल्लाह अलैह अजमईन जो हैं, ये हज़रत सफ़ीपुर रहमतुल्लाह अजमईन से आए हैं और नई मक्का मिसबाही साहब भी इसमें जबलपुर से, उनका क्या नाम, अब्दुल खालिक साहब वो भी सफ़ीपुर रहमतुल्लाह से वहाँ से मुतलिफ़ हैं, ये सब लोग इसमें शामिल हुए हैं और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम बुजुर्गान दीन के सदक़े जो है हमें हक और हकीकत को समझने की तौफीक अता फ़रमाएँ और अहले सुन्नत को खूब सारा फ़रोग़ अता फ़रमाएँ और हमारे मुल्क में बेशुमार रहमतें और बरकतें अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।